बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नॉर्मली लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आप देखेंगे तो नीट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस से या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन उठाया जाता है, और आजकल क्वेश्चन आने भी लगा है। तो क्वेश्चन बनता कैसे है, पहले वो क्वेश्चन का फ्रेम देखिए, फिर कैसी अप्रोच होती है, जैसा मैंने एक्सप्लेन भी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, उसी अप्रोच के साथ इसको सॉल्व भी करना सीखेंगे। क्वेश्चन को पहले रीड करिए। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला जा रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चीज़ से आप एग्री करते होंगे, करते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कहीं पर तो उसकी इक्वेशन तो होगी ना, वो निकालना सीखेंगे। सीखते हैं सॉल्यूशन बनाना इसका, सीखते हैं। पहले तो ये समझिए कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज, ये आपको गिवन है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी, उनकी इक्वेशन निकालनी है। देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की इक्वेशन को डिटरमाइन करना है कि कैसी इक्वेशन होती होगी। क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया है। देखिए, अगर कहीं पर फील्ड लाइन है, मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ये मैंने एक फील्ड लाइन बना दी, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्लियर हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसका मतलब इस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रा करूँगा तो उस पॉइंट पर मुझे मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर मुझे टेंजेंट ड्रा करने पर क्या मिल गया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो मुझे मिलता है ई नेट। क्या मिलता है, ई नेट। जो भी फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो डायरेक्शन भी देती है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी देती है। तो देखो, ई नेट मिल जाएगा। इसका मतलब ई नेट की जो वैल्यू है आपको गिवन है, क्या यहाँ पर माइनस ए और एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, ये आपको यहाँ पर गिवन है। इतनी चीज आप यहां से उठा लीजिए। तो ये तो हो गया टेंजेंट, क्या हो गया, ये आपके पास टेंजेंट है किसी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, मुझे इसकी इक्वेशन पता करनी है, क्वेश्चन इतना ही है। देखिए, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट ही होगा, दिया जरूर गया है ई, लेकिन वो ई नेट ही है, माइनस ए और यहां पर एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, हो गया। अब जरा देखो, क्या ई नेट है, इसका मतलब इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट भी होगा वाई भी होगा, जरा उसको निकालिए। देखिए, यहां पर ए कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहां पर जरा देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा ए एक्स जे कैप माइनस ए वाई आई कैप आ जाएगा। आई को आगे लिख लीजिए, माइनस ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स जे कैप, तो ये होता है, इसको कंपेयर कर लीजिए किससे, ये हो गया ई नेट, इसको ई नेट को कंपेयर करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ई नेट इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो यहां से जरा देखो, ई एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ई एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस ए वाई, एंड ई वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए एक्स आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, इतना रिजल्ट आ गया। अब मेन जो कंसेप्ट है उसको समझिए। कंसेप्ट ये होता है कि जो भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, जो भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट क्या देता है, वो टेंजेंट देता है स्लोप, क्या देता है, स्लोप देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर जो भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट ऑन फील्ड लाइन्स क्या देता है, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, गिब्स क्या देता है, गिब्स, डैश कर दिया। ई नेट जो होगा वो क्या होगा, वो स्लोप होता है, स्लोप होता है, स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, टेन थीटा का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो जो भी ई नेट है कब मिलता है, जब आप स्लोप मतलब टेंजेंट ड्रा करते हो,
जब टेंजेंट ड्रा करते हो तो स्लोप मिलती है या टेंथीटा मिलता है या dy बाई dx मिलता है, वही dy बाई dx को आपको इसके साथ रिलेट करना है। जरा देखो, अगर आपको ये मिल चुका है, क्या आपको मिल चुका है ex और आपको मिल चुका है ey, तो यहाँ पर जो ये ई नेट आएगा, ई नेट ठीक है, वो क्या देगा, वो देता है थीटा, थीटा मतलब स्लोप नहीं देता है, स्लोप देता है, स्लोप ही क्या है, टेन थीटा है, थीटा को टेन थीटा कहते हैं, या थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा, क्योंकि स्लोप में हम थीटा को टेन थीटा कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर मुझे स्लोप चाहिए इसकी तो देखो क्या आएगी, यहाँ पे जो स्लोप आएगी या टेन थीटा आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसके साथ अगर रिलेट करूँ तो जो जो हमारे पास ई नेट है वो क्या है, स्लोप है, स्लोप क्या है, टेन थीटा है, तो सीधे सीधे मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसके साथ चला जाऊँ, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब यहाँ से आएगा ई वाई आएगा अपॉन ई एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। जरा इसकी वैल्यू पुट करो, ई वाई की, ई वाई की वैल्यू पुट करते हो तो कितना आता है, देखो ई वाई मतलब माइनस ए एक्स और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ए वाई, यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, यहाँ से ए ए कट जाएगा, माइनस का आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, इसके बाद आपको ये मिलेगा, वाई इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इधर करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आ जाएगा, आएगा बेटा। देखो फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए, अब इक्वेशन के लिए क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू आएगा, इधर से एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, प्लस कोई कॉन्स्टेंट आएगा, क्या आएगा, कोई कॉन्स्टेंट आएगा। अब देखो जरा टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी, अब टू सी लिखो तब भी सही है, या टू सी की जगह पे कुछ नया कॉन्स्टेंट डाल दो आप, या ऐसा भी ले सकते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, तब भी आप ये सही लिख रहे हो, समझ में आई बात, तब भी आप सही लिख रहे हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन लिख दो। अब सी वन आप चाहो x के साथ लिखो या y के साथ लिखो, दोनों ही करेक्ट हैं, क्या हैं, दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख के दिखाया है, देखो जरा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप जो c लगा रहा हूँ कांस्टेंट c1, आप चाहे y के साथ लगा दो चाहे x के साथ लगा दो, इक्वेशन यही बन के आएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट लिखो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस का आना अब शुरू हो गया है, तो आप भी फील्ड लाइन से इक्वेशन फील्ड की, या फिर आपको फील्ड दिया जाए तो फील्ड लाइन की इक्वेशन निकालिए, या फिर फील्ड लाइन की इक्वेशन दे दी गई तो फील्ड निकालना, दोनों आना सीखना है।